have

भी स्टूडेंट ने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा तो फॉर्म अगर आप लोगों ने भरना है अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो उससे पहले आप सभी इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लीजिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाली हूं सो so, इसी इंफॉर्मेशन पर जाने से पहले आपको बता दूं बहुत कम समय एग्जामिनेशन में बाकी है सो so, आप सभी को स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर का रिवीजन क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें कि हम टोटल टेन यूनिट्स को आपको एग्जाम से पहले कवर करवाने की गारंटी देते हैं सो so, एग्जाम का लेटेस्ट क्या पैटर्न है क्या डिफिकल्टी लेवल है इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें पेपर वन के टोटल टेन यूनिट्स हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ कवर करवाएंगे सो आप चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो या फिर इंग्लिश मीडियम में पेपर वन देने वाले हो आपको डेली सेपरेट सेशन हम प्रोवाइड कराते हैं इसके अलावा फुल सिलेबस नोट्स में हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करवाएंगे जिसको आप बहुत इजीली अपने मोबाइल या लैपटॉप किसी भी डिवाइस में डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हो 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे ये मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं एंड इसमें से आपको एज इट इज भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दो से ज्यादा एमसीक्यू के साथ एक पीडीएफ हम आपको देते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन के के आंसर साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएं एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे साथ ही आप सभी के लिए हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन बैंक के अंदर भी मिल जाएगी तो आप सभी नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एंड फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ऐप आप आपको प्ले स्टोर पर कुछ इस तरह से नजर आएगा ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पर जाओगे तो सर्च बार में लिखना है यूजर्स ट्वेंटी ट्वेंटी आपके सामने कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू आ जाएगा कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे सो so पर आप देख सकते हो इंग्लिश वीडियोस एंड हिंदी वीडियोस अवेलेबल है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 थाउजेंड एमसी मॉक टेस्ट वीडियो सेशंस सब चीजें आपको यूनिट वाइज यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम प्रोवाइड कराते हैं जो की डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है तो आप आज ही इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी इन पूरे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो इसी के साथ बढ़ते हैं नोटिस की और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो हम आ चुके हैं एन टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां पर कल ही ये लिंक जारी कर दिया गया है जिसमें लिखा है ओपनिंग ऑफ दी ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर युद्ध जून 2023 जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो आपके सामने ये एक पब्लिक नोटिस आ जाएगा जो कि आप देखोगे 10 मई को जारी किया गया था इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसी स्क्रीन पर नीचे की ओर जाना है यहाँ पर आप देखोगे सो ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉर्म फिल करना नहीं आता फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ये होने वाला है सो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म्स को आप लोग भर सकते हो फिर आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते रहिएगा एंड क्या होगा फॉर्म्स को फिल कर सकते हो आप लोग अपने मोबाइल फोन से भी घर पर बैठे हुए ठीक है सो आप बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वो सेशन लेकर आऊंगी सो so बात करते हैं अब बड़े बदलाव के बारे में जो कि एनटीए ने इसी नोटिस में लिखा हुआ है सो so देखो स्टूडेंट सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर एन टी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है क्योंकि अभी तक किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई श्योरिटी नहीं थी 10 मई को बोला जा रहा है कि वन मंथ के अंदर अंदर आप लोगों का एग्जाम होगा जो कि अब श्योरिटी है कि 100 परसेंट होने ही वाला है क्योंकि आप लोगों ने पिछले साइकिल में अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा पिछली बार तो एटलीस्ट फिफ्टी डेज का समय एन ने सभी स्टूडेंट्स को दिया था लेकिन इस बार तो वो भी नहीं मिला दूसरा बड़ा बदलाव यहाँ पर यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं है तो मैं आप लोगों को सबसे पहला सजेशन तो यही देती हूं कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप इस एग्जाम को दीजिए जरूर ठीक है जून वाले एग्जाम को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा लेकिन आप लोगों का मेजर टारगेट आप दिसंबर वाला एग्जाम रखकर चलिए क्योंकि अगर आप ये एग्जाम दोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा लेकिन दिसंबर वाले एग्जाम तक आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा बड़ा बदलाव जो एन ने किया है जो कि सभी स्टूडेंट्स ने नोटिस नहीं किया होगा शायद करके वो स्टूडेंट्स जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात की गई है पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की फीस पहले वन थाउजेंड हुआ करती थी है ना उसके बाद वो फीस वन वन जीरो जीरो वन थाउजेंड वन हंड्रेड कर दी गई इलेवन हंड्रेड रुपीज कर दी गई लेकिन इस बार एन ने फिर ये फीस बढ़ा दी है इलेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी यहां पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हो गया है जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये बहुत बड़ा बदलाव लाया है जिसको लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं और लगातार हमें मैसेजेस कर रहे हैं कॉल्स कर रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस चीज में हम कुछ भी नहीं कर सकते ये फीस आप लोगों को फिल करनी ही पड़ेगी अगर आप लोग जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो वहीं अगर हम EWS और OBC स्टूडेंट्स की बात करें सो उनकी फीस सिक्स हंड्रेड हो चुकी है पहले पहले ये ये और उससे होती इस बार एन टी ए ने एक बड़ा बदलाव लाया है फीस जिसने इन्होंने थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी है एंड एस सी एस टी डी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थ्री ट्वेंटी फाइव यहाँ पर फीस हो चुकी है सो so, स्टूडेंट्स आप सभी देख सकते हो कि ये कुछ कुछ बदलाव आए हैं अभी तक सिर्फ एन ने ये बड़े बदलाव बताए हैं इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे जैसे जैसे एग्जाम का समय आता जाएगा देख सकते हो आप लोग इकतीस मई तक आप लोगों के फॉर्म्स भरे जाएंगे उसके बाद एक जून आपको सबमिशन के लिए दिया दिया जाएगा फीस सबमिशन के लिए सजेशन है कि बिल्कुल लास्ट डेट में फॉर्म मत भरिएगा क्योंकि फिर सेंटर बहुत ज्यादा दूर आप लोगों को मिलता है ठीक है करेक्शन अगर करनी है तो दो और तीन जून का समय दिया गया है लेकिन करेक्शन में आप लोग अपनी सिर्फ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है एड्रेस है यही चेंज कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर और बाकी चीजों को चेंज करने का आपको मौका नहीं मिलेगा सो आप लोग पहले से ही इन चीजों को ध्यान में रखिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो सो तो आप लोगों को कौन सा नियरेस्ट सेंटर लगता है या फिर कहां पर आपको इजिएस्ट सेंटर लगता है आप वहां पर फॉर्म भर दीजिएगा वहां पर अपना सेंटर सेलेक्ट कर दीजिएगा ठीक है सो डेट्स फाइनल हो चुकी है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को बिल्कुल क्लियर आइडिया हो चुका है एंड इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है सो आपने से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक शायद कंप्यूटर नहीं चलाना आता नहीं कंफर्टेबल होते तो मेरा यही सजेशन है कि एग्जाम से पहले वन मंथ आप लोग कंप्यूटर का भी थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लीजिए क्योंकि वहां पर ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पर बैठ ही आपको एग्जाम देना है ओके सो आई होप ये डिस्कशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कभी भी कॉमेंट करके पूछ सकते हो ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द